एक लड़का जिसके रूम की दीवार में होल है और इस होल में से वो अपने पड़ोस में रह रही भाभी की घंटी बजते हुए देखता है। ये बात उस भाभी को भी पता है और फिर भाभी भी उस लड़के को अपने सामान की सवारी करने का मौका देती है। पर क्या होगा जब भाभी का पति उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे उस लड़के ने एक भाभी को पटा लिया। मूवी का नाम है स्कॉर्पियन नाइट। कहानी की शुरुआत होती है ड्रेक से, जो खून में लथपथ होकर अपने घर आ रहा था, वो भी हाथ में गन लिए हुए, और यहीं यह सीन कट हो जाता है। फिर हम मैट नाम के बंदे से मिलते हैं, जो अभी अपने सामने दो हसीनाओं को अपने घोड़े पर दौड़ा रहा था। असली जिंदगी में सूखा पड़ा हुआ है, पर सपनों में एक ही बार में दो की लेने में लगा हुआ था। वेल तो सुबह का अलार्म बजता है और मैट जल्दी से उठकर अपने कॉलेज के लिए जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है, क्योंकि सपने की वजह से मैट को काफी लेट हो गया था। घर के बाहर आने पर उसकी नजर पड़ती है पीने पर, जो अपने पति ड्रेक्स के साथ उन्हीं के चौल में शिफ्ट हुई थी। क्लास में लेट आने के बाद मैट की मुलाकात होती है उसकी क्रश मैडी से, जो उसे म्यूजिक बैंड को ज्वाइन करने और कॉन्सर्ट में चलने के लिए इनवाइट करती है। वैसे अभी मैट का सपना पूरा नहीं हुआ था, तो वो वापस अपने सपनों में जाकर मैडी की लेने की तैयारी करने लगता है, पर उसके क्लास टीचर उस पर चौक मारकर उसे नींद से उठाते हैं, जिससे मैट की पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हो जाती है। उसी रात हम मैट को उसके दोस्तों के साथ एक क्लब में देखते हैं, जहां वो लोग म्यूजिक कंसर्ट को अटेंड करने आए थे। वही मैट की मुलाकात होती है एक खूबसूरत हसीना हेलेन से। हेलेन मैट में काफी इंटरेस्टेड थी, पर मैट उसको भाव नहीं देता है। अब बताओ, कुआं खुद प्यासे को अपने पास बुला रहा था, पर बेवकूफ मैट कुछ समझ नहीं पा रहा था। वापस घर आने पर मैट फोन में असली वीडियो देखकर अपनी हाथ गाड़ी फुल स्पीड में चलाना शुरू करता है। इस दौरान उसने टीवी का वॉल्यूम तेज कर रखा था, ताकि वीडियो की आवाज कमरे से बाहर न जाए। पर तभी उसका मकान मालिक टीवी और लाइट ऑफ करने को बोलता है, तो बेचारे मैट का घोड़ा मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उसे रुकना पड़ता है। मैट मूड हल्का करने गैलरी में घूमने आता है, जहां नीचे वो पीने को उसकी पति के साथ देखता है, जो अपने काम पर जा रहा था। उधर हम ड्रेक्स के साथ कुछ आदमियों को देखते हैं, जो रात में एक बंदे को गोली मारकर दूसरे बंदे को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। ड्रेक्स और उसके साथी एक अटर्नी यानी वकील के लिए काम करते थे, और ये वकील किसी मंत्री के लिए और मंत्री के कहने पर ही वो अपने आदमियों से लोगों का मर्डर करवाता था। पुलिस भी वकील के साथियों के पीछे पड़ी थी, जिसका एहसास ड्रेक्स और उसके साथियों को भी है। अगले दिन पीने अपने पड़ोसियों से लैपटॉप का चार्जर मांग रही थी, तो मैट उसे अपने लैपटॉप का चार्जर देकर उसकी मदद करता है। फिर मैट अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक बैंड में कंसर्ट की प्रैक्टिस करने लगता है, और रात में वापस घर आने पर वो खिड़की में से पीने को देखता है, जो मेकअप करके एक विग पहन रही थी। ये सब देखकर मैट शॉक था, पर उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी आ गई थी, इसलिए वो देखना चाहता था कि आखिर पीने कर क्या रही है। इसलिए वो पीने के रूम के ऊपर बने स्टोर रूम में आता है। अब आपको तो पता ही होगा कि फॉरेन में घर लकड़ियों के बने होते हैं, और लकड़ियों में दीमक लग गई थी, जिसे फ्लोर में छेद हो गया था, जिसके थ्रू मैट पीने को देखने लगता है। पीने को देख हम समझते हैं कि पीने ऑनलाइन स्ट्रिपर है, जो अपने क्लाइंट्स को पैसों के बदले वीडियो कॉल पर चरम सुख प्रदान कर रही थी। मैट भी फ्री के शो का फुल मजा उठा रहा था। शो खत्म होता है और पीने अपने वीडियो का सारा सेटअप हटा देती है, और यह देखकर हम समझ पाते हैं कि पीने के इस काम के बारे में ड्रेक्स को कुछ भी पता नहीं है। आगे ड्रेक्स के लिए खाना रखकर पीने सोने चली जाती है, और मैट पीने को सोते हुए देखने लगता है। थोड़ी देर में ड्रेक्स भी घर आ गया था। डिनर करने के बाद वो अपने रूम में आता है, और सोई हुई पीने की टांगों के बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर अपनी रेलगाड़ी पीने की सुरंग में चलाने लगता है। ऊपर से मैट भी उनके सफर का मजा ले रहा था, और मैट भी अपनी हाथ गाड़ी चलाकर पूरी मेहनत से अपने घोड़े को दौड़ा रहा था, और आज जाकर मैट का घोड़ा अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। अब यह काम मैट का रोज का हो गया था। हर रात मैट उनकी खुदाई देख अपनी हाथ गाड़ी चलाता। उसका यह नशा इतना बढ़ गया था कि वो अब दिन में भी पीने पर नजर रखने लगता है। इसी दौरान जब ड्रेक्स ब्रेकफास्ट करके अपने काम पर चला जाता है, तो पीने की नजर उस हॉल पर पड़ जाती है, जिसमें से मैट उसे देख रहा था, और वो एक सीढ़ी की मदद से ऊपर आकर उस हॉल में अपनी एक उंगली डालती है, जिससे मैट चूसने लगता है। पर यह सब मैट का सपना था, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी हम नीचे एक टीनेजर लड़के को देखते हैं, जो पुलिस से बचकर भाग रहा था। वो इनके चौल में घुस जाता है और एक बंदे को चाकू की नोक पर पकड़ लेता है, लेकिन ड्रेक्स ने उस लड़के को मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया, और अब ड्रेक्स अपने लोगों का हीरो बन गया था। थोड़ी देर बाद मैट और पीने एक दूसरे से मिलकर इस घटना के बारे में बात करते हैं कि कैसे आज के यूथ ड्रग्स के चक्कर में खुद को बर्बाद कर रहे हैं। आगे वापस रात में ड्रेक्स के आने पर मैट स्टोर रूम में जाता है और नीचे देखने लगता है। हमें पता चलता है कि ड्रेक्स को पीने के स्ट्रिपर वाले काम के बारे में पता है, और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं।
जिसके बाद वापस बेड पर उन दोनों के बीच दंगल शुरू हो जाता है। और इस बार सच में पीने को पता चल जाता है कि मैट उनकी खुदाई को ऊपर से देख रहा है, लेकिन इस बात को वो ड्रेक्स से नहीं बताती है, बल्कि और ज्यादा उत्तेजित होकर अच्छे से खुदाई करवाने लग जाती है। मैट अपने घोड़े को फुल स्पीड में दौड़ाकर उसे मंजिल तक पहुंचा देता है। अगले दिन हम वकील को देखते हैं, जिसे वार्निंग मिल गई थी कि गुंडागर्दी कम करके अपने बंदों को अंडरग्राउंड कर दो, पर वकील फुल कॉन्फिडेंस में था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही क्लब में हेलेन मैट को 10 बार लिप किस देती है, क्योंकि हेलेन एक शर्त हार गई थी। अभी भी मैट का ध्यान हेलेन पर नहीं, पीने पर था। सच में मैट एक गधा है, पास में हीरा पड़ा हुआ है, फिर भी उसको सोना चाहिए। आज की रात मैट डायरेक्ट पीने के घर में जाता है। सारे काम वो ड्रग्स की तरह ही करता है ताकि पीने को कोई शक न हो। हर रात पीने जब नींद में होती है तभी ड्रग्स उसकी खुदाई करता था, तो मैट भी सब कुछ ड्रग्स की तरह करके बेड पे आता है और अपने घोड़े को तैयार करके पीने की गुफा में भेज देता है। पीने को भी बहुत मजा आ रहा था, पर इस दौरान वो अपनी आंखें नहीं खोलती है। मैट का तो सपना ही पूरा हो गया था। काम खत्म करने के बाद जब मैट वहां से जाने लगता है तब पीने उड़ जाती है। मैट हैरान और शर्मिंदा था, इस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो पीने से क्या बोले, पर पीने उसे बताती है कि उसे पता है कि वो उसकी खुदाई रोज देखता है और आज भी वो उसके गुफा में अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। दरअसल पीने को मैट के हथियार से ही पता चल गया कि उसके खेत में कोई और ही अपना हथियार चला रहा है। तब तक मैट भी घर आ गया था, तो पीने मैट को बेड के नीचे छुपा देती है। ड्रेक्स भी रोज की तरह पीने को सोया हुआ समझकर उसके टांगों के बीच में बनी सुरंग के अंदर अपनी रेलगाड़ी चलाने लग जाता है। ड्रेक्स के सोने के बाद मैट अपने कपड़े जूते हाथ में लिए रेंगता हुआ वहां से भाग जाता है। अगले दिन मैट म्यूजिक रिहर्सल में अपनी क्रश को इम्प्रेस करने की जी तोड़ कोशिश करता है, पर उसकी क्रश का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था तो वो मैट को ज्यादा भाव नहीं देती है। उधर ड्रेक्स को भी अपने बॉस की बातों से पता चल गया था कि पुलिस जल्दी ही उनकी लेने आएगी। रात में जब मैट अपने रूम में आता है तो उसे सामने हेलेन 2-पीस में मिलती है। मैट कुछ समझ पाता उससे पहले हेलेन शुरू हो गई थी। मैट के केले को लॉलीपॉप की तरह चूस अपने बड़े बड़े आम मैट को टेस्ट करवाती है। फिर क्या था, मैट हेलेन की कमर तोड़ खुदाई करता है। अगले दिन सुबह जब मैट नहाने के लिए पानी भर रहा था तब वह पीने आती है और कल रात वाली लड़की के बारे में मैट से पूछने लगती है। मैट उससे झूठ बोलने लगता है कि वो सिर्फ उसकी दोस्त थी, पर पीने को उनके पलंग तोड़ खुदाई के बारे में पता चल गया था। अब पीने नहाने जाती है और मैट पढ़ाई कर रहा था, तभी उसे पीने का कॉल आता है जो उसे अपने घर पर बुला रही थी क्योंकि उसके कुएं का पानी ओवरफ्लो करने लगा था। अब दिन दहाड़े मैट उसके घर जाने से डर रहा था, तो पीने से स्टोर के होल से हथियार नीचे डालने को बोलती है और खुद सीढ़ी चढ़कर मैट के लॉलीपॉप को चूसना शुरू कर देती है। अब ड्रेक्स भी मौके पर पहुंच गया था और जैसे ही ड्रेक्स गेट खोलता है तो पीने नीचे गिर जाती है, पर ड्रेक्स को लगता है कि किसी ने पीने पर हमला किया था तो वो घर के बाहर जाकर गोली वोली चलाकर सबको धमकाने लगता है कि कौन उसके घर में गया था। सबकी फटके हाथ में आ चुकी थी, पर तभी वहाँ पीने आती है और ड्रेक्स को ये बोलकर शांत करवा देती है कि वो ऊपर बल्ब साफ कर रही थी और इसी दौरान वो गिर गई। रात में मैट और उसके दोस्तों का म्यूजिक कंसर्ट था, पर उन्हें पता चलता है कि उनके बैंड के 2 बंदों को पुलिस ने मार दिया है क्योंकि उन्हें शक था कि वो दोनों ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं। म्यूजिक कंसर्ट तो नहीं हो पाता है और दोस्तों को खो देने के बाद से मैट भी दुखी था, पर पीने भी उसका इस दुख में साथ देने आई थी। पर तभी ड्रेक्स वहां आ जाता है तो पीने को मैट के पास से जाना पड़ता है। उसी रात ड्रेक्स को अपने साथियों के पास वापस जाना पड़ता है जहां उसके साथी उसे किडनैप कर लेते हैं क्योंकि उसके साथियों ने पुलिस से हाथ मिला लिया था। आगे हम देखते हैं कि पुलिस वाले ड्रेक्स और बाकी के पकड़े गए क्रिमिनल्स को बहुत बुरी तरीके से मार रही है और जब सुबह पीने की आँख खोलती है तो उसे बेड पर ड्रेक्स नहीं मिलता। रात का डिनर भी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रेक्स रात में घर नहीं आया था। बाहर में कपड़े पसारते हुए पीने को मैट दिखता है और मैट को सीडियोस करके पीने उसे अपने करीब बुलाती है। मैट भी पीने को चूमते हुए उसके कपड़े उतारने लगता है और देखते ही देखते पीने मैट के घोड़े पर बैठ गई थी। मैट खड़े खड़े ही पीने को अपने घोड़े की सवारी करवा रहा था। वही ऊपर मैट के कमरे में हेलेन आती है और उसे पीने और मैट की आहें सुनाई देती है। आगे देखने पर उसे दिखता है कि मैट पीने की सुरंग की खुदाई करने में पूरी मेहनत से लगा हुआ है। यह देख हेलेन मैट का नाम चिल्लाने लगी थी तो दोनों अपना कार्यक्रम रोककर कपड़े पहनने में लग जाते हैं। हेलेन मैट को चाटे वाटे मारकर वहां से चली जाती है। साला सोने की तलाश में मैट के हाथ से हीरा भी निकल गया। अब रात में हम देखते हैं कि ड्रेक्स के साथियों को पुलिस वाले ने एक एक करके मार दिया था, पर ड्रेक्स मौके का फायदा उठाकर एक पुलिस वाले को मार देता है और फिर भाई साहब पुलिस वाले की गन लेकर ड्रेक्स तो जॉन विक ही बन गया था। सभी पुलिस वालों को मारने के बाद वो अपने घर की ओर निकल गया था। वहीं घर पर मैट को गुड नाइट बोलकर पीने सोने जा रही थी, पर मैट का घोड़ा मूड में था तो वो पीने के घर में आता है और पीने के मना करने के बावजूद मैट पीने के ऊपर टूट पड़ता है। पीने को पता था कि ड्रेक्स कभी भी वहां आ सकता है क्योंकि वो 2 दिन से घर से गायब था, पर जैसे ही मैट की जबान पीने के सेकंड लिप्स को टच करती है पीने का पानी निकलने लगता है।
मैट भी पीने के झील का नमकीन पानी पीने में पूरे शिद्दत के साथ जुड़ा हुआ था। फिर बेडरूम में आकर पीने भी अपने घुटनों पर बैठ मैट के लॉलीपॉप को चूस कर उस पर बैठ जाती है। उधर बाहर में जैसे तैसे ड्रेक्स भी घर तक आ गया था और यही शुरू वाला सीन है जिसमें ड्रेक्स खून में लथपथ अपने घर का दरवाजा खोल रहा था। अभी भी वो रेंगते हुए अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर आता है और अंदर आने पर देखता है कि पीने किसी और के घोड़े पर फुल जोश में सवारी कर रही है। यह देखते ही ड्रेक्स जोर से चीखता है। ड्रेक्स की आवाज सुन दोनों रूम का एक एक कोना पकड़ लेते हैं। ड्रेक्स ने उन दोनों पर गोली तो चलाई थी पर लकीली गोली किसी को नहीं लगती। मैट ड्रेक्स से माफी मांगने लगता है और ड्रेक्स मैट को वहां से भागने को बोलता है। मैट वहां से बिना कपड़ों के ही भाग गया था और एंड में हम देखते हैं कि पीने ड्रेक्स के पास आकर उसे माफी मांगती है और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।